आप जब भी किसी के उतारे हुए जूते या चप्पल को बिना किसी घृणा के प्रेम पूर्वक अपने हाथों में लेते हैं तो आपके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है। और यही चीज हमें गुरुद्वारा के जोड़ा घर सेवा में देखने को मिलती है। गुरुवाणी में कहा गया है, मेरा तेरा छोड़िए भाई हो ये सब की दूरी। जोड़ा घर सेवा में हर सिख, चाहे बच्चा हो, वयस्क हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, गरीब हो या फिर करोड़पति बिजनेसमैन ही क्यों न हो, मुस्कुराते हुए आपके उतारे हुए जूते चप्पल को हाथ में लेकर जमा करेंगे और जब लौटाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके जूते साफ किए हुए हैं। क्या महत्व है इस जोड़ाघर सेवा या जूताघर सेवा का और सिख क्यों करते हैं इस सेवा को? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल हरपण बंदा को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए जानते हैं जोरागढ़ सेवा के महत्व को। घटना सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी के समय का है। काबुल से संगत गुरु जी के दर्शन के लिए अमृतसर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सिख और उनकी पत्नी मिलते हैं जो संगत का भरपूर सेवा करते हैं और उन्हें अपने साथ दरबार साहिब तक लेकर आते हैं। संगत के जत्थेदार वहाँ खेल रहे कुछ बच्चों से संगत और उनके जूतों की देखभाल करने के लिए कहते हैं ताकि वे अंदर जाके गुरु जी के दर्शन कर सके, किंतु कोई भी बच्चा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी साथ आए सिख जूतों की देखरेख का दायित्व स्वयं लेकर संगत को अंदर जाने के लिए कहते हैं। अंदर जाकर जब संगत को कुछ देर तक गुरु जी के दर्शन नहीं होते हैं तो उनका जत्थेदार बाबा बुद्धा जी से गुरु जी के बारे में पूछते हैं। बाबा बुद्धा जी बताते हैं कि गुरु जी तो काबुल से आने वाले संगत से मिलने के लिए गए हैं। इस पर जत्थेदार कहते हैं, उन्हें गुरु जी के दर्शन तो नहीं हुए पर रास्ते में एक सिख और उनकी पत्नी अवश्य मिले जो बाहर उनके जूतों की देखभाल कर रहे हैं। बाहर आकर बाबा बुद्धा जी देखते हैं कि वह सिख कोई और नहीं गुरु अर्जन देव जी ही थे जो संगत के जूतों को साफ कर रहे थे। आश्चर्यचकित बाबा जी गुरु जी के हाथ से जूते लेकर पूछते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए गुरु जी कहते हैं, बाबा जी आप तो गुरु नानक देव जी के साथ रहे हैं, जरा देख कर बताइए ये जूते किनके हैं। ध्यान पूर्वक देखने पर बाबा बुद्धा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वास्तव में ये जूते गुरु नानक देव जी के ही थे। इसलिए गुरुद्वारा में सेवारत हर सिख गुरुद्वारा में आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थियों में किसी न किसी गुरुमुख की कल्पना करते हैं। इसलिए वो कोई जब बच्चे के जूते को साफ कर रहे होते हैं तो उनके कल्पना में कोई न कोई साहबजादे होते हैं और जब कोई स्त्री के जूते को हाथ में लेते हैं तो उनके कल्पना में बीवी भानी होती है और इसी तरह जब कोई पुरुष के जूते को साफ कर रहे होते हैं तो उनके कल्पना में भाई भाईलो होते हैं। इसलिए सिख धर्म में जोरागर सेवा का अपना अलग ही महत्व है और इस तरह का सेवा और कहीं देखने को नहीं मिलती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल हरपण बंदा को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।